नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और मैं हूं आपके साथ कंचन। जहां एक और डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, वहीं पृथ्वी के भगवान के द्वारा एक गजब का कारनामा कर दिखाया है। कारनामे को सुनने वाले पृथ्वी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस कारनामे के बाद बच्चे के घर में खुशी का माहौल है, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल यूपी के जिला खुर्जा की रहने वाली 5 माह की कनिका जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थी और उनके हृदय में छेद होने के कारण उसका शरीर नीला पड़ जाता था। दिल में छेद के कारण उसके फेफड़ों से प्रभावित होने वाला स्वच्छ रक्त गंदे रक्त से मिल रहा था, जिसके चलते कनिका निरंतर रूप से बीमार चल रही थी और उसका वजन भी नहीं बढ़ पा रहा था। कनिका के माता पिता उसे जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां बाल और शिशु रोग हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शाद अबकरी ने और डॉक्टर एम कामरान मिर्जा ने उसकी इकोकार्डियोग्राफी कर उसकी बीमारी का पता लगाया और उसके माता पिता को तत्काल उसके हृदय के छेद में तत्काल सर्जरी कराने का परामर्श दिया। उन्होंने शिशु का प्री सर्जरी का परीक्षण भी किया। इस बच्चे का कार्डियोथेरेपी सर्जरी विभाग के चिकित्सा दल द्वारा 40 मिनट तक हार्ट और लंग्स के कार्य को रोककर उसके दिल के छेद का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दुर्लभ सर्जरी को अंजाम दिया। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष प्रमुख कार्डियक सर्जन डॉक्टर एम आजम हसीन और उनकी टीम के सदस्यों ने लगभग 4 घंटे तक चली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर कनिका को नया जीवन प्रदान किया। डॉक्टर आजम हसीन ने बताया कि शिशु के 5 माह आयु का होने और उसका भार 4 किलो होने के कारण उसकी सर्जरी करना एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि ये एक बेहद दुर्लभ सर्जरी थी। उन्होंने बताया कि क्लिनिकल परफ्यूजनिस्ट डॉक्टर साबिर अली खान ने मेडिसिन एंड हार्ट लंग्स मशीन की मदद से ऑपरेशन के दौरान बच्चे के हार्ट और फेफड़ों के कार्य को 40 मिनट तक रोके रखा, जबकि चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह और डॉक्टर मयंक यादव ने सर्जरी में सहयोग किया। शिशु को एनेस्थीसिया डॉक्टर नदीम रजा और उनकी टीम द्वारा दिया गया। रानी है? रानी, क्या हो गया था बच्ची को, क्यों आई है यहाँ पर? लड़की ये गई, दिल में छेद हो, उसे ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन के बाद आप दिखाने लाए हैं। अब बच्ची ठीक है? अब बच्ची ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी ना। मैं डॉक्टर मोहम्मद आजम हसीन, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ हार्ट और लंग सर्जरी विभाग का, और हम लोग यहाँ पे कोविड के दौरान भी रेगुलरली सर्जरीज कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा बच्चों की हमने सर्जरी करी है इस जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके दौरान। ये जो बच्ची है कनिका, ये खुर्जा से आई थी और इसके माता पिता इसे लेकर आए थे। बच्चे की सांस फूल रही थी और ये नीली पड़ जा रही थी, इसका वजन भी नहीं बढ़ रहा था। तो हमारे जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाद अबकरी और डॉक्टर कामरान मिर्जा, इन्होंने इकोकार्डियोग्राफी करके उसकी डायग्नोसिस बनाई कि उसके दिल में बड़ा सा छेद था और दिल में और भी कई सारी परेशानियां थी। ख़ासतौर पे उसका जो खून, उसको दिल का जो फेफड़े से जो खून साफ होके दिल में आता है, उसमें परेशानी थी, जिसकी वजह से बच्ची का वज़न बढ़ नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने इसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत थी और हमने यहाँ पर इस बच्ची की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क करी है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन का एक प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत हम लोग पिछले 3 साल से लगभग 450 बच्चों की हार्ट सर्जरीज और इंटरवेंशंस को अंजाम दे चुके हैं। और ये सर्जरी के दौरान भी हमने बच्चे का दिल को रोका, 40 मिनट के लिए दिल को रोका और अंदर की जो परेशानियां थी उनको सही करा। सर्जरी के बाद बच्चे की रिकवरी अच्छी रही और ICU की जो टीम है हमारी, जो आमिर जिसको हेड करते हैं, उनके अंडर में जो सारे नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने अच्छा केयर दिया। और पेशेंट की इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको, ये बच्ची एक जो बच्ची को परेशानी थी हार्ट की, ये रेयर है, काफ़ी कम बच्चों को होती है। और ये ऐसी सर्जरी है कि अगर वक्त पे हो जाए तो बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है और ताज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। और दूसरी अहमियत इस सर्जरी की ये थी कि ये इसका वज़न बहुत कम था, बच्चे का 5 किलो से कम वज़न था। तो किसी भी हार्ट सर्जरी सेंटर के लिए 5 किलो से कम वज़न की सर्जरी करना एक अचीवमेंट है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रेगुलरली सर्जरीज हो रही हैं 5 किलो से कम बच्चों की, और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूरी UP से आ रहे हैं इस हार्ट सर्जरीज के लिए, हार्ट के इंटरवेंशंस के लिए। और हम लोग अच्छे रिजल्ट्स के साथ काम करें, जैसा मैंने बताया कि 450 बच्चों को हम लोग पिछले 3 साल में हमारे सेंटर पर उनका इलाज हो चुका है और ये सारी ही सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है।